बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार पिछले 15 साल से काबिज है। इन सालों में नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए कई ऐसे काम किए जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई, चाहे स्कूली बच्चियों को साइकिल देने की बात हो या फिर पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देने की। इसने नीतीश कुमार की अलग छवि बनाई। शराबबंदी को भी महिलाओं के हक में उठाया गया कदम बताया जाता है। खुद नीतीश कुमार कह चुके हैं कि शराबबंदी का सबसे ज्यादा फायदा बिहार की महिलाओं को होगा। अब नीतीश कुमार जो कदम उठाने जा रहे हैं उसे बिहार की महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा क्रांतिकारी माना जा रहा है। दरअसल बिहार सरकार ने प्रदेश में भूमि निबंधन की प्रक्रिया में कई बदलाव किए हैं जो 2 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। नीतीश सरकार ने राज्य की बेटियों के लिए नई रजिस्ट्री पॉलिसी के तहत ये फैसला किया है कि अब पारिवारिक बंटवारे में बेटियों की हकमारी नहीं होगी और पारिवारिक संपत्ति का रजिस्टर्ड बंटवारा तो करना ही होगा, साथ ही उसमें घर की बेटियों को भी हिस्सा दिया जाएगा। पारिवारिक बंटवारे के लिए बेटियों की रजामंदी जरूरी होगी और अगर बेटियां पारिवारिक संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी नहीं लेना चाहे तो उन्हें लिखित में देना होगा कि अपनी पैतृक संपत्ति में उन्हें हिस्सेदारी नहीं चाहिए। अब तक पुरानी जमाबंदी के आधार पर जमीन की खरीद बिक्री होती थी। इसमें जमीन के प्लॉट पिता के नाम से होते थे। पिता के नाम पर पुत्र भी जमीन को बेच सकता था। इसके लिए जमीन की मालगुजारी जमा कर अपडेट रसीद विक्रेता के पास होनी चाहिए। अब तक जमीन का पारिवारिक बंटवारा स्वैच्छिक था, लेकिन अब ये 2 अक्टूबर से अनिवार्य हो जाएगा। बगैर बंटवारे के जमीन खरीद बिक्री बंद हो जाएगी। हालांकि इससे सरकार के राजस्व में खासा नुकसान होगा। इससे जमीन के रजिस्ट्री के आंकड़ों का ग्राफ भी गिरेगा। नई व्यवस्था में परिवार के मुखिया के नाम से जमीन का रिकॉर्ड होने पर पुत्र जमीन का बिक्री नहीं कर पाएगा। इसके लिए जितने परिवार के सदस्य हैं उन सभी के नाम रिकॉर्ड में होना अनिवार्य है, यानी परिवार में बंटवारा होना जरूरी है।